इस वीडियो में सीखेंगे कि डेस्कटॉप में जो हमारा विंडोज 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है उसमें जो फोल्डर्स रहता है, आइकन्स रहता है, तो जो फोल्डर्स ये जो ये एक एक आइकन फाइल है, मतलब ये तो फोल्डर है लेकिन फोल्डर में जो इमेज है ये आइकन फाइल फॉर्मेट है। तो इसका इमेज कैसे चेंज करें, जैसे देखिए पहले क्या है, एक फोल्डर क्रिएट कर दिए, मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ फोल्डर, और फोल्डर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज जाना है। प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पर जनरल शेयरिंग सिक्योरिटी प्रीवियस वर्जन वगैरह है, यहाँ पर कस्टमाइज है, कस्टमाइज ऑप्शन में ये यहाँ पर फोल्डर आइकन आइकन ये जो आइकन है ये आइकन फॉर्म डॉट आईसीओ, इसका जो एक्सटेंशन नेम रहता है डॉट आईसीओ फोल्डर, ये जो फोल्डर का इमेज है इसका इमेज चेंज करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर चेंज आइकन है, चेंज आइकन पे क्लिक करने से यहाँ पर बहुत सारे इमेज दिखाई दे, मतलब आ रहा आपका जिस इमेज का मतलब आपका अच्छा लगता है आप रख सकते हैं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आप अगर फोल्डर है तो फोल्डर रखेंगे, अगर प्रिंट प्रिंटिंग के लिए रखना है तो प्रिंट प्रिंटिंग का जितना भी डॉक्यूमेंट्स रखना है तो एक फोल्डर में, और प्रिंट प्रिंटर का देना है, या आपको जैसे लगे, मतलब लगेगा कि ये इमेज मुझे अच्छा लगता है तो ऐसे रखना है। तो ऐसे सपोज ये तो पहले से है, मैं अलग इमेज चेंज करना हूँ, एक डीवी ड्राइव या डिस्क हार्ड डिस्क का रखता हूँ, नहीं तो एक डेस्कटॉप का, ठीक है ये देखिए डेस्कटॉप पर रखा हूँ, ओके करने से, अप्लाई कर देने से देखिए देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, ये फोल्डर था और ये भी थी, ये एक फोल्डर है लेकिन इसका जो आइकन है चेंज हो गया। ये तो चेंज हुआ लेकिन हमको चाहिए हमारा, मतलब ये तो जितना बाय डिफॉल्ट इमेजेस दिया था, तो हमको अगर क्या कि खुद का एक इमेज करना है और खुद का इमेज रखना है तो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए एक फेबिकन बोलते हैं उसको, फेबिकन या डेस्कटॉप आइकन, विंडोज आइकन बोलते हैं। तो मैं पहले से बना के रखा हूँ, देखिए ये विंडोज आइकन, ये एक फेबिकन है, ठीक है मैं बना के रखा हूँ फोटोशॉप में, मैं ये इस इमेज को लेके बनाया, ठीक है छोटा पर, ठीक है तो विंडोज आइकन में मैं बना फेबिकन बना के रखा हूँ और चेंज करना है, देखो इसके यहाँ पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद ये जो कस्टमाइज है, कस्टमाइज के चेंज आइकन, चेंज आइकन में ब्राउज करेंगे कहाँ पर है इमेज, तो इमेज कहाँ पर है दोस्तों, मैं रखा हूँ ये ड्राइव में और न्यू फोल्डर में, देखिए ये फेविकन आइकन, देखिए आइकन फाइल्स यहाँ पर सपोर्ट करता है ना, पूछता है आइकन फाइल्स, तो ये क्या आइकन फाइल्स है, अगर चेंज कर देंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि ये फोल्डर से, आइकन फाइल में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा, और अब ये सिलेक्ट किया हूँ ओपन ओके अप्लाई, देखिए अब ये चेंज हो गया, है ना दोस्त, ये जो है अगर मैं तो छोटा साइज लिया हूँ 64x64 पिक्सल्स लिया हूँ, अगर थोड़ा बड़ा साइज लिया होता तो और थोड़ा बड़ा इमेज आया होगा, ठीक है ऐसे होता है इमेज चेंजेस। और दोस्तों मतलब फेविकन आइकन कैसे बनता है वो मैं पहले एक वीडियो में बताया हूँ, और उस वीडियो में देख के आप फेविकन आइकन बना सकते हैं, ठीक है थैंक यू दोस्त।